हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से लड्डू गोपाल की दर्दनाक सत्य घटना लेकर आई हूं। आशा है आज की लीला कथा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रुला देगी। आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसा दृश्य भक्त ने देखा जिसे देख भक्त भी हैरान रह गए। जब खून से लथपथ लड्डू गोपाल जी आए एक बॉक्स के अंदर, ये लीला सुनकर आप भी डर जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप पूरी लीला सुनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाएंगे। कुछ ऐसा ही घटित हुआ है दिल्ली के रहने वाली अनीता जी के साथ। लीला कथा सुनने से पहले हर रोज़ की तरह आप हमारे प्यारे लाला के चैनल को, राधा कृष्ण चैनल को, एक राधा राधा लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो लीला हम शुरू करते हैं। अनीता जी को दिल्ली में रहते रहते काफ़ी साल हो चुके थे। वो 3 लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनका पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में ही बीत जाता था। सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है और जब उनके पति ऑफिस चले जाते तब पूरा दिन कैसे ठाकुर जी के साथ बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। एक बार उनके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई। एक उनके घर आंटी आई जो छत्तीसगढ़ में रहती थी। वो आंटी जब आती और लड्डू गोपाल जी की सेवा देखती उन्हें बहुत ही आनंद आता। वो आंटी अनीता जी से बोलती, हमारे घर भी एक कृष्ण गोपाल लड्डू गोपाल हैं, हम उनको बहुत ही प्यार करते हैं, प्यारा सा विग्रह है, मैं भी उन्हें हर रोज़ स्नान कराती हूँ, श्रृंगार कराती हूँ, उनकी सेवा अर्चना करती हूँ। जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ठीक उसी तरह वह आंटी भी उन लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करती थी। और उन्होंने, आंटी ने बताया, 15 से 16 साल हो गए हैं श्री कृष्ण जी की सेवा करते हुए। जब मैं सोचती हूँ कि मैं अब वृद्ध हो चली हूँ और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, तो मैं बहुत ही दुखी होती हूँ। तो अनीता जी हंसती हैं और बोलती हैं, अपनी आंटी जी से अनीता जी बोलती हैं, आप इतना क्यों सोचती हैं अपने श्री कृष्ण के बारे में? मैं हूँ ना, मैं करूँगी उनकी सेवा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो भगवान करे पहले तो आप स्वस्थ बनी रहें, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, इसलिए वो आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगे। ये सारी बातें सुनकर आंटी जी का मन खुश हो जाता है। और कुछ दिन बीतने के बाद वह आंटी अपने घर छत्तीसगढ़ चली जाती हैं और उनकी वहाँ पर जाने के बाद अचानक से बहुत बीमार हो जाती हैं और ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पाती और मन ही मन अपने कान्हा जी से बोलती हैं, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, आपकी सेवा कैसे करूंगी? आप तो सब जानते हैं, जैसे तैसे 6 से 7 दिन बीतते हैं तो कान्हा जी को स्नान कराती हैं। उनकी ज़्यादातर तबीयत खराब होने के कारण वो बस खाना ही बना पाती थी और फिर से बिस्तर में लेट जाती थी। दिन प्रतिदिन तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी और वे यही सोचने लगी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा अब कैसे कर पाऊँगी, मैं कब ठीक होंगी। फिर उनको याद आता है कि जब मैं उनके घर, अनीता जी के घर गई थी, तो वो भी लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से करती थी और उन्होंने कहा भी था कि मैं लड्डू गोपाल की तुम्हारे की सेवा करूँगी। अनीता जी को फ़ोन मिलाकर अपनी तबीयत का सारा हाल बताती हैं। अनीता जी बोलती हैं, अगर ठाकुर जी का मन है मुझसे सेवा कराने का तो बहुत ही अच्छी बात है, आप भेज दीजिए ठाकुर जी को। तो आंटी जी ने ठाकुर जी को अच्छे से पैक कर दिया और भेज दिया। और आंटी जी फ़ोन पर बताती हैं, मैंने अपने दिल का टुकड़ा आपके पास भेज रही हूँ, आप संभाल कर रख। और आंटी जी ने एक ख़ास बात बताई, हमेशा इन ठाकुर जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करना। आंटी जी को भी जब ये ठाकुर जी किसी ने दिए थे तब उनके भी यही बात कही थी, तब से मैं 15 से 16 साल से सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। तो वो अनीता जी से बोली, सिंदूर तो ठाकुर जी को अर्पित नहीं करते हैं, चंदन लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं। आंटी जी बोली कि हमारे यहाँ शुरू से जिन्होंने दिए थे उन्होंने यह बात बताई थी कि इन ठाकुर जी को सिंदूर ही चढ़ाना है और मैं भी 15 से 16 साल हो चुके हैं, सिंदूर ही चढ़ाती हूँ, सिंदूर ही अर्पित करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। वो अनीता जी बोली, ठीक है, मैं सिंदूर ही अर्पित करूँगी।
उनसे इंतजार नहीं होता है कि वो ठाकुर जी कब आएंगे उनके घर और कब उनका वो दर्शन करेंगी। जब कुछ दिनों के बाद ठाकुर जी उनके घर आते हैं तो बहुत ही खुश होती हैं और आंटी जी को फ़ोन मिलाकर बताती हैं आपके ठाकुर जी हमारे घर आ गए हैं, और आंटी जी से बोलती हैं सारी वीडियो और ठाकुर जी की फ़ोटो हम आपको भेजते रहेंगे, ये कहकर फ़ोन रख देती हैं। फिर अनबॉक्सिंग करने के लिए अपने पति को बुलाती हैं, आप पैकिंग खोलिए, उनसे अपने पति से वो बोलती हैं कि आप ही ये पैकिंग खोलिए। जैसे ही पैकिंग खोलते हैं तो वो देखते हैं संपूर्ण रूप से लड्डू गोपाल लाल हो चुके हैं। ठाकुर जी को देखकर वह एकदम से डर जाते हैं, वो देखते हैं ठाकुर जी इतने लाल कैसे हो गए। जब बॉक्स से ठाकुर जी को निकालते हैं तो देखते हैं कि ठाकुर जी का एक चरण टूटा हुआ है, उनका एक चरण टूट जाता है। उन भक्त का भाव ऐसा होता है, वो बोलते हैं जैसे उनका पैर टूटने पर ये खून निकला हो, तो वो डर जाते हैं एकदम, और वो भक्त रोने लगती हैं उन लड्डू गोपाल को देखकर। पूरे बॉक्स में ठाकुर जी को लगता है जैसे ब्लड ही पड़ा हुआ है। अनीता जी बहुत ज़्यादा उदास होती हैं और रोने लगती हैं। जब क्या कर वो ये सोचती हैं अब क्या करें, ये सब क्या हो गया, ये सब क्यों हो गया और कैसे हो गया। ठाकुर जी को आने की इतनी ही खुशी थी, अब इतना ही हमें दुख हो रहा है, इनका तो चरण ही टूट गया, अब क्या होगा, अब तो क्या करें हम। इस तरीके से वो आपस में पति पत्नी बात करने लग जाते हैं। फिर आंटी जी को फ़ोन पर फ़ोटो भेजी जाती है और सारा हाल बताया जाता है। ये सुनकर आंटी जी बहुत रोती हैं, उनके ठाकुर जी का ऐसा हाल हो गया, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। फिर अनीता जी आंटी जी को समझाती हैं और बोलती हैं ठाकुर जी को स्वस्थ करिए, मैं स्वस्थ करूंगी, अनीता जी बोलती हैं। एक दुकान पर ले जाती हैं, दुकान वाले को देती हैं, दुकान वाले बोलते हैं इन ठाकुर जी के चरणों से ऐसे लग रहा है जैसे ब्लड निकल रहा है, पहले तो ये बताइए कि ये ब्लड है या फिर सिंदूर है। पर उन भक्त का भाव ऐसा था तो ऐसे मानो ऐसे लग रहा हो जैसे उनके पैर से ब्लड ही निकल रहा हो। तो दुकान वालों ने बोला पहले इनको अच्छे से साफ़ करके धो करके लाइएगा, पहले आप इनको साफ करिए, उसके बाद ही फिर हमें दीजिए, तब हम इनको ठीक करेंगे। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद, अच्छे से साफ करने के बाद उनको पूछ कर दुकान वालों को दे देती हैं। ठाकुर जी कुछ ही दिनों में ठीक होकर आ जाते हैं, एक नए रूप में देखकर बहुत खुश होती हैं और उनका सारा श्रृंगार भी हुआ होता है और उनका पैर भी पहले की तरह एकदम से ठीक हो चुका होता है, लगता ही नहीं है मानो जैसे उनका पैर यहाँ से टूट गया हो। जब ठाकुर जी का दर्शन करती हैं तो वह बहुत ही प्रसन्न होती हैं, ठाकुर जी एकदम बदल गए। फ़ोन करके अपने आंटी जी को बताती हैं ठाकुर जी एकदम ठीक हो गए हैं, क्या फिर से मैं उन लड्डू गोपाल को सिंदूर अर्पित करूं या ना करूं। जब अनीता जी आंटी जी से ये सब पूछती हैं तो आंटी जी के मन में फिर से वही सारी बातें दिमाग में घूमती हैं, खून से लथपथ लड्डू गोपाल बॉक्स में उनके घर पहुंचे हैं, तो वो आंटी जी फिर से मना कर देती हैं, ठाकुर जी को सिंदूर अर्पित करने के लिए मना कर देती हैं। वो बोलती हैं कि आप जैसे अपने लड्डू गोपाल की तीनों की सेवा करती हैं, आप उसी प्रकार इनको चंदन लगा कर ही इनका सेवा कीजिएगा। उसके बाद ठाकुर जी का सेवा शुरू करती हैं, हर रोज़ इसी प्रकार सेवा करती हैं जैसे वो अपने तीनों लाला लड्डू गोपाल की करती हैं। ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं और आंटी जी भी बहुत खुश होती हैं, उनको उनके लाला की वीडियो और फ़ोटो हर रोज़ भेज दिए जाते हैं, जिसे देखकर वह आंटी जी बहुत खुश होती हैं और उनको ये लगता ही नहीं है उनके पास उनके लाला ठाकुर जी नहीं हैं। जो भगवान को सदा दिल से पुकारते हैं भगवान उन्हें ढूंढ ही लेते हैं और भक्त के पास स्वयं ही आ जाते हैं, ये साक्षात प्रमाण है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को अनीता जी की यह लीला लड्डू गोपाल की कैसी लगी। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।